वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज अ वीडियो फॉर क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर वन। दिस इज अ वर्कशीट। ये फर्स्ट चैप्टर में ही आपका वर्कशीट दिया गया है, आपका टेस्ट दिया गया है, आपको बताया गया है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, राइट का निशान लगाइए, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण होता है जैसे आप पढ़ते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सारे वर्ण ही हैं, है ना। चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो स्वर हो, हर एक लेटर जो अकेला है वो एक वर्ण है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण से छोटा कोई अक्षर नहीं होता, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण हम किसे कह रहे हैं? अक्षर को, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, ऊ, का, ख, ग, पा, फ, ब, जो भी एक अकेला अक्षर है उसको हम वर्ण कहते हैं, है ना। व्यंजन वर्ण को दर्शाने के लिए, व्यंजन छोटे आ से लेकर आह तक जितने भी वर्ड होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और का से लेकर ज्ञा तक जो भी वर्ड होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, है ना। लेकिन वो व्यंजन जो वर्ण होते हैं, जो क, ख, ग, घ, ये सारे जो होते हैं ज्ञानिक सारे व्यंजन होते हैं, लेकिन अगर इनके नीचे छोटा सा एक डंडा खींच दिया जाता है, छोटा सा एक हलंत लगा दिया जाता है, तो वो व्यंजन आधा बन जाता है। उसका हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन कितना हो जाता? आधा हो जाता है, ठीक है। जैसे विद्या, विद्या में हम दा पूरा लिखते हैं लेकिन नीचे एक थोड़ा सा हलंत लगा देते तो दा आधा हो जाता है ना। सेम उसी तरीके से एक माह में सप्ताह होते हैं। सप्ताह किसे कहते हैं? माह यानी महीना, सप्ताह यानी वीक, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। तो वन मंथ में कितने सप्ताह होते हैं? एक माह में कितने होते हैं? चार सप्ताह, क्योंकि चार बार संडे आता है। क्योंकि एक सप्ते में फोर तो संडे होते हैं, मतलब फोर रविवार होते हैं, फोर ही सोमवार होते हैं। तो यानी एक माह में कितना होता है, कितने सप्ते होते हैं? चार सप्ते होते हैं। बात करने वाला अपने लिए कहता है, जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप कहते हो ना, मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ाई कर ली। तो बात करने वाला अपने आप को किस चीज़ से प्रोनाउंस करता है? मैं शब्द से। किससे करता है? मैं शब्द से। तो हम इसमें किस पर टिक करेंगे? मैं, क्योंकि बात करने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है, है ना। तो अब आपको समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं? एक अक्षर, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और व्यंजन आ से लेके आ तक स्वर होते हैं, और का से लेके ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर व्यंजन में अगर हम हलंत लगा देते हैं तो वह आधा हो जाता है, है ना। और बात करने वाला हमेशा अपने आप को माँ वर्ड से अपने आप को बोलता है कि मैंने खाना खा लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यानी वो अपने आप को किससे बोलता है? मैं शब्द से। अब हम पढ़ेंगे उचित मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। बेटा ये आप पिक्चर देख रहे हैं पिन का, तो हम पिन कैसे लिखते हैं? पी न, इस पर हमने किसकी मात्रा लगाई? छोटी की, पी न, पिन। सेकेंड आप पिक्चर देख रहे हैं वो किसकी है? इमली की, इ म ली। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इ म ली, इमली। तो इस पर हमने किसकी मात्रा लगाई? बड़ी की मात्रा लगाई, ठीक है। अब लास्ट है पुल, पु ल, पुल, पु ल, पुल। तो हम इस पर किसकी मात्रा बोल रहे हैं? छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, पुल। कबूतर, क बू त र, कबूतर। बापे किसकी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की मात्रा। मेज, माँ पे किसकी मात्रा लगी है? ए की, छोटी ए की मात्रा। मेज, मेज। पैर, ए की मात्रा आ गई ना, पैर, पैर, है ना। मो यानी इसमें छोटे ओ की मात्रा। मोर, मोर, ये बिना मात्रा का शब्द है। नमन, नमन यानी किसी को नमस्कार करना। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? मात्राएं पढ़ ली,
वर्ण व्यंजन के बारे में समझ लिया और सप्ताह में माह में कितने दिन होते हैं ये पढ़ा। और लास्ट क्या है अब आपका, चित्रों को देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। अब हम पहला शब्द पहला चित्र किसका देख रहे हैं, मछली का, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मछली, लाप पे बड़ी की मात्रा आएगी, मछली मछली। लड़की, इस पे का पे बड़ी की मात्रा आएगी, लड़की। लास्ट क्या है, तितली, इस पर भी बड़ी की मात्रा आएगी, तितली। शेर, शा पे हम कौन सा मात्रा प्रोनाउंस कर रहे हैं, शेर शेर, है ना, शा पे ए की मात्रा। रेल रेल, तो हम किस मात्रा को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए की मात्रा, रा पे ए की मात्रा, रेल। अब किसका, सेब सेब, इस पे भी ए की मात्रा लग रही है। घोड़ा, घो पे कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, घोड़ा। ढोलक, ढा ढोलक वाला ढा बनाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, ला, ढोलक। अब हम क्या बनेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक महीने में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, ठीक है। 15 दिन का एक पक्ष होता है और 15 दिन का दूसरा वाला पक्ष होता है ना। और एक पक्ष में कितने सप्ते होते हैं, दो सप्ते होते हैं। पक्ष क्या होता है, जैसे 15 दिन होते हैं ना, 15 days, आधा महीना, आधा महीने को हम एक पक्ष में काउंट करते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है, सेकंड होता है शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है उसको हम 15 दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो शुक्ल पक्ष होता है वो 15 दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए दो पक्ष होते हैं, ठीक है। और पक्ष में सप्ताह कितने होते हैं, अब आप देख रहे हैं ना, 15 दिन का अगर एक पक्ष हो रहा है 15 डेज का, तो उसमें सिंपल सी बात है, 7 days, 7 + 7, 14 डेज हो गया। तो 14 डेज में क्या हो गया, कितने एक पक्ष में कितने सप्ते हो रहे हैं, दो सप्ते हो रहे हैं, क्योंकि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days, 7 दिन होते हैं ना। सूर्य किस दिशा से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। हलंत का चिन्ह व्यंजन में लगाया जाता है, हलंत जो मैंने अभी बताया था ना, व्यंजन में हलंत नीचे की ओर लगाया जाता है, तो वही लगाया जाता है, ठीक है। सही शब्द चुनकर लिखो, टमाटर, टमाटर कौन सा कलर का होता है, यस रेड कलर। आप किस पर टिक करेंगे, रेड कलर पर। आइसक्रीम आपकी ठंडी होती है या गर्म होती है बताइए, यस ठंडी होती है। कुतुब मीनार ऊंची होती है कि नीची होती है, कुतुब मीनार ऊंची होती है। कौन, अब हम 6 नंबर का पढ़ेंगे, कौन क्या खा रहा है, चित्र को देख कर लिखो। लड़का खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लड़की पढ़ रही है, तो हमने किसमें क्या रखा, तो हमने पहले में क्या लिखा, लड़का खाना खा खा लिखा, इसमें हमने क्या फिल किया, खा। बच्चे खेल, खा पे एक ही मात्रा, ला, खेल। लड़की पढ़ पढ़ रही है ना। लास्ट पेज, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखिए। जैसे आपका इधर लिखा है चूहा, एक चूहा था इसलिए चूहा लिखा है, और ज़्यादा चूहे होते हैं तो क्या लिखते हैं, चूहे चूहे। हाँ पे एक ही मात्रा, चिड़िया चिड़िया। पुस्तक पुस्तकें, खिलौना खिलौने। चित्रों के नाम का वाक्य में प्रयोग कीजिए, लाल किला, हम कल लाल किला गए, हम कल लाल किला घूमने गए, आप ऐसे फिल कर सकते हैं। पाठशाला, बच्चे रोज पाठशाला जाते हैं। सूरज, सूरज पूरब से निकलता है। चिड़ियाँ, चिड़ियाँ चहचाती हैं। चिड़िया का जो साउंड होता है वो चहचाने का होता है ना, इसलिए चिड़िया चहचाती हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। मात्राएं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा,
बड़े उ की मात्रा, ए की मात्रा, अ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की बिंदी, आह बिंदी खाली। अब हम इन मात्राओं का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब का की कु कु के क्याए को काओ कं कह। इसी तरह हम सारे अक्षरों पर मात्राओं को चढ़ाते जाएंगे, इसी तरह बोलते जाएंगे। ओके।